कलम चलाना छोड़ दिया, बंदूक चलाना सीखेंगे। सात अगस्त 1990 तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का ऐलान संसद में किया तो देश जातीय समीकरण के उन्माद से झुलसने लगा। मंडल कमीशन की सिफारिश के मुताबिक पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने की बात कही गई, जो पहले से चले आ रहे अनुसूचित जाति और जनजाति को मिलने वाले 22.5 से अलग था। यानी नई आरक्षण नीति के बाद आरक्षण की सीमा 49.5% तक पहुंच चुकी थी। पहले से बेरोजगारी और सिस्टम की खामियों से जूझ रहे नौजवानों के गुस्से में आरक्षण की नई नीति ने आग में घी डालने जैसा काम किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पटना यूनिवर्सिटी समेत देश के 22 कॉलेजों के छात्र आरक्षण मुद्दे पर सड़कों पर निकल आए। आंदोलन को जितना दबाने की कोशिश की गई वो उतना ही उग्र होता चला गया। डेमोंस्ट्रेशन करते हैं तो पुलिस हम पर लाठी डंडे बरसाती है, जबकि प्रो रिजर्वेशनिस्ट रैली को पुलिस स्कॉर्ट करके ले जाती है। ना ही सरकार हमारे साथ है, ना ही MP हमारे साथ है, ना ही MLA हमारे साथ है, तो हमारे पास मात्र महात्मा गांधी का एक चीज बचा है, सत्याग्रह और नॉन वायलेंस। करेंगे हम, जलाएंगे, बस जलाएंगे, अब क्या करेंगे, हमारे पास और कोई और चारा नहीं है, और क्या करेंगे, जीविका के लिए तो कुछ करना ही होगा, आखिर नहीं तो रहेंगे। हम लोग जो है साथी एकदम ठीक कहा है कि कलम चलाना छोड़ दिया है, बंदूक चलाना सीखेंगे, और हमारी प्रशासन जो है यही अब चाह रही है और यही करेंगे, यही हाथ से लिखेंगे भी और यही हाथ से खून भी बहाएंगे। पुलिस प्रशासन ने आंदोलन को कुचलने के लिए लाठी, गोली, आंसू गैस का सहारा लिया तो सड़कें खून से लाल होने लगी। इस सबसे दूर दिल्ली की राजनीति ये अच्छी तरह से जानती थी कि आरक्षण का तीर उनके लिए वोट बैंक का ब्रह्मास्त्र बन जाएगा, क्योंकि मंडल कमीशन से उपजी आरक्षण नीति का सबसे ज्यादा असर उत्तर भारत पर पड़ा। उस वक्त तक उत्तर प्रदेश और बिहार का बंटवारा नहीं हुआ था, यानी उत्तराखंड और झारखंड नहीं बने थे, तो बिहार की 54 सीटें और उत्तर प्रदेश की 85 सीटें यानी कुल मिलाकर 139 सीटें होती थीं, जो लोकसभा की कुल सीटों का लगभग 1/4 होता था। ये आंकड़ा प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने की सबसे मजबूत सीढ़ी बन सकता था। यही वजह थी कि दिल्ली की राजनीति अपनी चाल से चलती रही, दाव पेंच, अगड़ा पिछड़ा, कुर्सी पावर के खेल में डूब गई। आरक्षण के नाम पर हालात बदतर होने की आशंका से सवर्ण नाराज थे, तो पिछड़े वर्ग में आने वाले लोग सरकारी नौकरियों में अपनी आरक्षित भागीदारी की उम्मीद से खुश। समाज टुकड़ों में बंट रहा था और बंटता समाज अब लहूलुहान भी हो रहा था। सवर्ण तबके के लिखने पढ़ने वाले हाथों ने वीपी सिंह मुर्दाबाद की तख्तियां थामी तो पुलिस प्रशासन का डंडा उन पर कहर बनकर टूटने लगा। कई छात्रों ने विरोध में खुद को आग लगा ली, कई हमेशा हमेशा के लिए अपनी पहचान खोते चले गए, तो कई नए नेता उभरने लगे जिनकी सियासत की बुनियाद जातिवादी वोट बैंक पर टिकी थी।
1989 आम चुनावों के रंग में देश पूरी तरह रंगा हुआ था। ये वो दौर था जब बोफर्स दलाली के दाग से राजीव गांधी का दामन दागदार था और भ्रष्टाचार देश के सामने एक बड़ा मुद्दा बन चुका था। पहली बार देश के प्रधानमंत्री को किसी ने सीधे कटघरे में खड़ा किया था। आजादी के बाद पहली बार एक ऐसी सत्ता 5 साल पूरे होने से पहले ही लड़खड़ा गई थी जिसे 2/3 बहुमत हासिल था। मामला बोफोर्स तोप की खरीद में कमीशन खाने का था और आरोप लगाने वाला शख्स उस वक्त देश का रक्षा मंत्री था। जो 2/3 बहुमत वाली सरकार की नैतिकता पर यह कहकर चोट कर रहा था कि उसकी जेब में वो कागज है जिसमें कमीशन खाने वालों के नाम है और अगर वो सत्ता में आ गया तो हर किसी को जेल भेज देगा। जनता पार्टी के ढहने के बाद निराश जनता को वीपी सिंह में एक उम्मीद दिखाई दी। 1989 का चुनाव ही आंदोलन की शक्ल लेने लगा। देखिए, मेरी तरफ से एक बात बिल्कुल साफ है कि मंडल आयोग लागू होगा। सरकार बनते ही 20 दिसंबर 1989 को जनता दल की मीटिंग में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। बीजेपी के नेताओं को ये बात कुछ पसंद नहीं आई। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं, अगर मंडल आयोग लागू हुआ तो देश में अराजकता फैल जाएगी, लोग सड़कों पर निकल आएंगे। नहीं नहीं, my reaction is also the CPM reaction at that time was that how has he done it without taking any one of us into confidence, he should not do it. 1 जनवरी 1990 राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने यह फैसला लिया कि जल्दी ही दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी। सरकारी रिकॉर्ड में जिसे दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग कहा जाता है उसे आम बोलचाल में मंडल आयोग कहा जाता था। हालांकि वीपी सिंह के साथ खड़े नेता ही मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के मामले में एकमत नहीं थे। जनता दल के अंदर झगड़ा इस कदर बढ़ा कि सरकार का चलना असंभव दिखने लगा तो भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचकर कि दरअसल ये तो सरकार जा रही है और विश्वनाथ प्रताप सिंह मंडल आयोग लागू करने जा रहे हैं तो हम किस मुद्दे पर जनता के बीच में जाएंगे। अरुण नेहरू, इंद्र कुमार गुजराल और रामकृष्ण हेगड़े इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थे। अजीत सिंह भी इस फैसले पर वीपी सिंह के साथ नहीं थे। यहां तक कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री बीजू पटनायक तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले गए और अपने राज्य में लागू करने से इनकार कर दिया। लेकिन हिंदी पट्टी कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार के नेताओं ने इस फैसले का जमकर स्वागत किया। वीपी सिंह को एक बार फिर सत्ता का समीकरण दिखने लगा था। मंडल आयोग की सिफारिशों की खबर से भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक एक बार फिर परेशान हो उठा। लाल कृष्ण अडवाणी को लगने लगा था कि वीपी सिंह पिछड़े वर्ग के हिमायती बनकर उभरना चाहते हैं और इसी बीच 31 मार्च 1990 को वीपी सिंह सरकार ने बाबा साहेब अंबेडकर को भारत रत्न देने की घोषणा कर दी। मई 1990 देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने तो उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए। चौटाला के लिए देवीलाल ने अपनी सीट छोड़ दी। चौटाला ने देवीलाल की छोड़ी हुई सीट महम से चुनाव लड़ा। इस चुनाव में भारी हिंसा हुई। ओम प्रकाश चौटाला पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगा और मांग हुई कि ओम प्रकाश चौटाला को तुरंत मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।
देवीलाल इस मांग के बिल्कुल खिलाफ थे। राजीव गांधी ने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया तो ओम प्रकाश चौटाला से इस्तीफा ले लिया गया और बनारसी दास गुप्ता को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया। देवीलाल इससे बेहद नाखुश हुए। देवीलाल ने दबाव डालकर कुछ समय बाद ओम प्रकाश चौटाला को दोबारा मुख्यमंत्री बनवा दिया। देवीलाल पुत्र प्रेम में धृतराष्ट्र हो गए हैं, ये आरोप जनता दल सरकार के भीतर से लगने लगे। ऐसे में आहत देवीलाल ने एक दिन प्रधानमंत्री वीपी सिंह के करीबी अरुण नेहरू और आरिफ मोहम्मद खान पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा दिए। पता नहीं देवीलाल जी चाहते क्या है। अब एक और मुसीबत, अरुण नेहरू और आरिफ मोहम्मद खान पे भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए और मुझ पर व्यक्तिगत हमले करने लगे हैं। उनके इरादे को समझ ही नहीं सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझ पे आरोप लगाए जाते हैं और एक इंटरव्यू में मुझे रिट विहीन प्रधानमंत्री कह दिया। समझ में नहीं आता क्या करें। उन्होंने तो अरुण नेहरू और आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ राष्ट्रपति महोदय को भी एक चिट्ठी लिखी है, उसके साथ आपका लिखा हुआ एक खत भी नथी किया है। मेरी चिट्ठी? कौन सी चिट्ठी, किस बारे में? आपके 26 नवंबर 1987 के लिखे हुए खत बताते हैं, जिसमें आपने अरुण नेहरू पर बोफोर्स मामले में शामिल होने की बात कही है। मैंने ऐसा खत कब लिखा था? नहीं, मुझे ऐसा कोई खत याद नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप फौरन राष्ट्रपति भवन से संपर्क कीजिए और पता कीजिए क्या ऐसी चिट्ठी सचमुच प्राप्त हुई है। मैं पता करता हूं। जांच हुई और पाया कि ये कोई फर्जी चिट्ठी हो सकती थी। इससे नाराज होकर बीजू पटनायक और अरुण नेहरू ने तत्काल देवीलाल को सरकार से निकालने की मांग की और देवीलाल को पार्टी से निकाल दिया गया। The Prime Minister cannot have a cabinet minister making allegations against cabinet ministers. Either you drop those ministers against whom allegations are made, or you have to drop one who's making public allegations all time. Otherwise, it'll be a joke of a government. That time, I decided to drop. इससे पहले चंद्रशेखर ने एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में ये कहकर वीपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया कि उनका फोन टैप किया जा रहा है। सत्ता के गलियारों में हड़कंप मच गया। वीपी ने जांच बैठा दी, आरोप निराधार साबित हुआ। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने देवीलाल के रुख को और चंद्रशेखर के रुख को देखा कि ये अब साथ दूर तक जाने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने अपनी प्रायोरिटी जो जनता दल के घोषणा पत्र का हिस्सा भी था उसको चुना, कैबिनेट से पास करवाया और बाद में अगस्त 90 में उसे घोषित भी कर दिया। सियासी तिगड़म से बनी जनता दल सरकार में हर कोई तिगड़म के जरिए ही सियासत साध रहा था, तो 7 अगस्त 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा कर दी। वीपी के इस ऐलान ने जनता दल की छतरी तले जमा हर दल के सामने नया संकट पैदा कर दिया। समर्थन दे रही बीजेपी को भी लगा कि कहीं राजनीतिक रास्ते उसके लिए भी बंद ना हो जाए। हर कोई फैसला लेने पर उतारू था, लेकिन इस बार आंदोलन ने नहीं, सियासी फैसलों ने देश के सामने आंदोलन सरी के हालात पैदा कर दिए और आंदोलन के जरिए राजनीति कैसे साधी जाए, ये संकट अडवाणी से लेकर देवीलाल तक के सामने था। देवीलाल सही मायने में ताऊ की भूमिका में आ गए। अगस्त 1990 में भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के दिन देवीलाल ने दिल्ली के बोट क्लब में एक विशाल किसान रैली का आयोजन किया। देवीलाल जाट समुदाय के सर्वमान्य सबसे बड़े नेता थे।
लिहाजा उनकी पुकार पर सुबह से ही उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के इलाकों से लाखों लोग दिल्ली में इकट्ठा होने लगे। चंद्रशेखर, जो कि सरकार के साथ थे, वो भी इसी रैली में वीपी सिंह सरकार के प्रति अपना असंतोष जताने के लिए शामिल हुए। देवीलाल के अलावा उत्तर प्रदेश से दलितों की राजनीति के नेता कांशीराम, किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत, अकाली दल से प्रकाश सिंह बादल, एचडी देवेगौड़ा भी शामिल हुए। शरद यादव के आने की भी खबर थी, लेकिन वो नहीं आए। रैली ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लेकर सामाजिक संघर्ष का नया दौर शुरू कर दिया। सियासत बंटी, नेता बंटे, तो समाज भी बंटा। अगले ही दिन यानी 10 अगस्त से आयोग की सिफारिशों के तहत सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू हो गया। इस तरह से देश में जेपी आंदोलन के बाद दूसरा बड़ा जन आंदोलन शुरू हुआ। सरकारी संस्थाओं में आरक्षण लागू किए जाने से एक तरफ पिछड़ी जातियों के वो छात्र खुश थे जिन्हें तमाम कोशिशों के बावजूद नौकरी नहीं मिल रही थी, वहीं वो छात्र जो पढ़ने में अव्वल थे और उच्च जाति से ताल्लुक रखते थे, उनका कहना था कि इससे प्रतिभा के साथ अन्याय होगा। इस तरह दोनों पक्षों की तरफ से जोरदार समर्थन और विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गए। इसमें राजनीति की चाशनी का भी भरपूर इस्तेमाल हुआ। आक्रोश इस हद तक बढ़ता चला जा रहा था कि विरोध प्रदर्शन के बाद हिंसा और लूटपाट की घटनाएं भी होने लगी। लेकिन सियासत जिस तरह खामोश थी और हंगामे के बीच 13 अगस्त को मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करने की अधिसूचना भी जारी कर दी गई, छात्रों में गुस्सा चरम पर पहुंच गया। अगले ही दिन यानी 14 अगस्त को अखिल भारतीय आरक्षण विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष उज्जवल सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। छात्रों में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। किसी सरकार के पास रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कोई योजना तो थी नहीं। ऐसे में सरकारी नौकरी ना मिलने के भय ने उच्च जाति के छात्रों को अंदर तक तोड़ दिया। लेकिन वीपी सिंह अडिग थे। वो चाहते थे कि लाल किले की प्राचीर से मंडल की सिफारिशों को लागू कर सकें, ताकि उनका भाषण इतिहास में दर्ज हो सके। और हुआ भी यही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस न्याय वर्ष में एक फैसला हाल में सरकार ने लिया कि पिछड़े वर्ग को हम सरकारी नौकरियों में और पब्लिक सेक्टर में स्थान दें। सत्ता के इस ढांचे में देश के चलाने और संवारने में उसके फैसला करने में हम हिस्सेदारी देने चाहते हैं और मजबूती से देना चाहते हैं। उन्नीस अगस्त को दिल्ली विश्वविद्यालय के सुरेंद्र सिंह चौहान ने आत्मदाह कर लिया। ये छात्र देशबंधु कॉलेज में इवनिंग का छात्र था और उसके बाद अचानक खबर आई कि दिल्ली विश्वविद्यालय के राजीव गोस्वामी ने खुद को आग लगा ली। छात्रों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। तो राजीव गोस्वामी का वो कोई सोचा हुआ वो कदम नहीं था कि मुझे करना है ये, क्योंकि आदमी अंदर से बहुत ही दुखी था, परेशान था कि हम लोग घर बार छोड़ के बाहर पढ़ने आए हैं और अचानक से ये आरक्षण हो जाना। तो हर आदमी के मेहनत पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क था कि हम मेहनत करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या होगा। तो उस आक्रोश में राजीव गोस्वामी ने एक कदम उठाया